साकेत साउथ दिल्ली, रिपोर्ट किरण सिंह तवर, किन्नी टाइम्स। साकेत इलाके में आ रहा गंदा पानी, स्थानीय लोग हुए परेशान। दिल्ली सरकार ने लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का वादा किया था। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को अभी भी पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। लेकिन हम आज जिस इलाके की बात कर रहे हैं वो दिल्ली का पॉश इलाका कहा जाता है। लेकिन अगर पॉश इलाके में ही पानी जैसी समस्या हो तो फिर क्या कहना। वैसे तो दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड पानी को लेकर तमाम बड़े बड़े वादे दावे करता है, लेकिन इन दावों की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक साकेत की। साकेत में इन दिनों लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने 24 घंटे पानी देने का वादा किया था, लेकिन 24 घंटे तो छोड़िए, कभी कभार पानी आता भी नहीं है, तो उसके अंदर काफी गंदगी होती। संगीता जी, किस तरीके का पानी भी इस समय आप लोगों के घर पे आ रहा है? पानी तो बहुत गंदा है। मेरे तो हस्बैंड को इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना साकेत आने के बाद। हम लोग फ्रीडम फाइटर से आए हैं, बट इनके स्टमक, मतलब इनको बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पानी के बिना, पानी की वजह से। एंड हम लोग जैसे एक दिन हम लोग ने पानी नहीं चलाया नीचे का, तो पानी खत्म, और 2,000 रुपए के टैंक दे रहे हैं, बताइए कैसे अफोर्ड कर सकता है कौन। इतने पॉश इलाके में आपने सोचा था? बिल्कुल नहीं। और कब से ये इस तरीके का पानी आ रहा है? मुझे लगता है 6-7 महीने तो हो गए। 6-7 महीने से जो हमको सप्लाई आती है टोटली इनएडिक्वेट आती है। प्रेशर बिल्कुल लो है, फिर आते आते सप्लाई में ब्रेक आ जाती है, 15-20 मिनट की ब्रेक आ जाती है, और हमारे जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो कोप अप ही नहीं कर सकते इसके साथ। टॉक्सिक वाटर है, सबकी हेल्थ रुइन हो रही है, एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव अ हेल्थ इशू टू डील विद इन द फ्यूचर इफ दे कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वाटर एंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट्स टाइम दे टुक दिस इनटू कंसिडरेशन एंड टुक नेसेसरी एक्शन, सो द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मस्ट गिव इट सीरियस थॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उस पानी को ना तो पी सकते हैं, ना ही उसे कपड़े धोने में यूज कर सकते हैं। किन्नी टाइम्स की टीम ने साकेत इलाके के रहने वाले रेसिडेंट से बात की तो उनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार मुफ्त की सेवाओं की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जो जरूरी मूलभूत सुविधा है वो लोगों को नहीं मिल पा रही। आज के समय में सबसे जरूरी है पीने का पानी। अगर पीने का पानी साफ स्वस्थ नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। एक तरफ तो तुम बिजली फ्री करते हो, पानी भी फ्री करते हो, तो हमें फ्री नहीं चाहिए, लेकिन जो सुविधा है वो सुविधा हमें मिलनी चाहिए। हम लोग टैक्स पेयर है, अच्छा खासा टैक्स भी देते हैं, उसके बावजूद भी पीने का पानी हमें नहीं मिल पा रहा। पानी आता भी है तो उसमें प्रेशर काफी कम होता है और पानी के साथ साथ गंदगी भी आ रही है। अगर इस गंदे पानी को हमारे घर के लोग पियेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर अस्पताल भागना पड़ेगा, और गंदे पानी से कई प्रकार की बीमारियां होंगी, फिर डॉक्टरों के पास जाओ। लेकिन जो कमियां है सरकार को उन्हें सुधारना होगा। पहले तो पानी का ठेका भी प्राइवेट में कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधा हमें नहीं मिल पा रही। ईटीवी भारत से बात करते हुए साकेत की निवासी संजीव, संजीता कपूर, गीता और पायल गुप्ता ने बताया कि साकेत एक पॉश एरिया है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि पॉश इलाकों में अगर पानी नहीं आ रहा है तो जो ग्रामीण एरिया है उनमें किस तरह की हालत होगी। हम पानी सरकार से फ्री में नहीं लेते, सबका पैसा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद देख सकते हैं बोतलों में भरा हुआ पानी कितना गंदा है। गंदा पानी पीने से कितने नुकसान है। जीवन में एक पानी का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर सरकार हमें क्या दे सकती है। तो इस सरकार को सोचने की जरूरत है, अधिकारियों को सोचने की जरूरत है। अगर गंदा पानी हम लोग पी लेंगे बीमार पड़ जाएंगे, शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हमें जकड़ लेंगी और फिर डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। आदमी अन्न के बगैर रह सकता है लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता। पानी हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण है, हमें गंदा मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। हमारी दिल्ली सरकार से और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से यही निवेदन है कि जो भी समस्याएं या प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान किया जाए और हमें गंदे पानी से निजात मिले। किस तरीके की पानी की समस्या आप इस समय आ रही है आप लोगों को? पानी तो जी ना साफ आ रहा है और ना टाइम पे आ रहा है और ना ज्यादा आ रहा है, मतलब ज्यादा मीन्स पूर्ति के लिए, और स्मेल इतना है पानी में, साफ पानी की स्मेल आप देख सकते हैं।
तो आप चेक कर सकते हैं। और चार दिन के पानी में जो नीचे मिट्टी बैठी है वो भी मैं चाहूँगी कि आप उसको दिखाएं। और पानी जो है हमारा सुबह आता है और इतना कम आता है और प्रेशर भी इतना कम है कि अगर चार फ्लोर बने हुए हैं तो उसमें पानी की पूर्ति नहीं होती है। और दिल्ली में अब चार फ्लोर तो सभी जगह बन रहे हैं, तो आप मतलब हमारी सरकार से, जल बोर्ड से ये रिक्वेस्ट है, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, जो भी सरकार है हमारी और वो हमारी पानी की पूर्ति जो पूरी बाधित हो चुकी है उसको पूरा कराएं, स्वच्छ कराएं। पानी की जो बीमारियां हो रही हैं, सारी प्रॉब्लम्स हमारे पेट से हैं, वो हमारी दूर होएंगी, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम सबको ही निकालना है। पानी तो जमुना में भी गंदा है, झाग सबको दिखते हैं, ये तो हमें भी पता है कि फैक्ट्रीज का पानी पीछे वहाँ गिर रहा है, पर कोई कोई ट्रीटमेंट प्लांट तो होना चाहिए कि ट्रीटमेंट हो के जनता को पानी मिले। बेसिक नीड ऑफ द आर, बेसिक नीड ऑफ द डे जो है वो पानी है, तो जल ही जीवन है। उम्मीद यही है कि जो पानी गंदा आ रहा है, जो कम आ रहा है, क्योंकि 24/7 का वादा है, तो अगर सबके लिए है तो फिर हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमें भी 24/7 पानी दीजिए, क्योंकि पानी के बिना तो बहुत मुश्किल है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।